छोड़ हमारे बच्चों को, तुम क्या कर रहे हो इनके साथ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर, कबीर मेरा एजेंट है रुखसार को। कबीर, अच्छा तुम आ गए। ये देखो, रुखसार वापस खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छे वक्त पे मैं और जीनत भाभी पहुंच गए और हमने इसके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। कबीर, तुम्हें खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज। तुम्हारी ये जान लेने की धमकियां इस घर में नहीं काम करने वाली। आओ अगर तुमने या तुम्हारी बहन ने अपनी सुबह खोलने की कोशिश की ना तो अल्लाह कसम तुम अपने बेटे अमान की कभी शक्ल नहीं देख पाओगी। हमारा वादा है ये तुमसे। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? कबीर, कबीर, कबीर। कबीर, कबीर शांत हो जाओ। कबीर, कबीर हमारी बात सुनो। हम जानते हैं कि रुखसार कसूरवार है। हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि इसने इसने गलती की है। इसको इसको माफ कर दो। इसकी पागल मोहब्बत ने तुम्हारे साथ जो गलत काम किया है वो गुनाह है, वो गुनाह है। हम ये भी जानते हैं। प्लीज इसे कुछ मत करना। अब कुछ भी हो जाए हम रुखसार को नहीं छोड़ेंगे। अब आप कुछ कहिए ना। हम तुम्हारी भाभी है ना, तुम हमारी इज्जत करते हो ना, हमारी इज्जत के खातिर इसे माफ कर दो। ये हमारी छोटी बहन। नहीं बहन, ये इस घर की बेटी थी। पाला पोसा हम सब ने, ख्याल रखा इसका। ये देखियो आज कौन हमें रोक रहा है। वही लड़की जिसे तुमने मारने की साजिश की। इसका हर कसूर हम माफ करते। कहते कि पागलपन है, मोहब्बत है, सब कुछ है, मगर नहीं। हम जारा की जिंदगी का सौदा तुम्हारे पागलपन के साथ नहीं होने देंगे। हमारी बीवी है ये। शक्ल से मासूम लगने वाली आपकी ये बहन, इतनी कड़वाहट छिपी है इसके अंदर, जानती हैं आप? जारा के नाम पे फेक प्रोफाइल इसने बनाया था। सिराज को इसने मैसेज किया था। इसकी जान खतरे में इसने डाली थी। कश्मीर कौन आया था हमारे साथ? हमारे और जारा के अलावा रुखसार आई थी। कौन है हम तुम्हारे? क्या नाता है तुम्हारा इस घर के साथ? यही ना, ये तुम्हारी बहन का ससुराल है, बस इतना ही ना। लेकिन रुखसार इस घर की एक एक ईंट गवाह है कि हमने तुम्हें सगी बेटी की तरह समझा, तुम्हें पाला, तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने रुखसार इस घर को उजाड़ने की साजिश रच डाली। रुखसार, लानत है तुम पर रुखसार, लानत है।
यकीन मानो रुखसार, अगर हम तुम्हारी सगी माँ होते ना तो तुम्हें जिंदा ही जमीन में दफना देते। संभालिए अम्मी अपने आप को। रुखसार, अब तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुमने हर वो हद पार किया जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। या तो खुद इस घर से बाहर निकल जाओ, क्या तुम्हें पुलिस लेकर जाएगी, क्योंकि आज हम तुम्हारे नाम पर FIR जरूर करवाएंगे। ये लो जारा, करो पुलिस को फोन, बुलाओ उन्हें यहां, या फिर हम फोन कर पुलिस को यहां पर बुलवाए। क्योंकि अकेले तो हम जेल नहीं जाएंगे जारा। उन्हें भी हमारे साथ जाना पड़ेगा जिन्होंने हमारे गुनाह पर पर्दा डाला, जिन्होंने कश्मीर में हमारे केस की फाइल को दबवाया। क्यों, चलेंगे ना आप हमारे साथ? अब हमारा ही नहीं है कबीर अहमद, हमारी हर एक हरकत, हमारी हर एक बात की खबर अब्बू को थी। बस तुम्हारी बकवास नहीं सुनेंगे और, क्योंकि हमारे अब्बू कभी भी ऐसा नहीं करते। हम इस केस की फाइल बंद करवा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर हम चाहते हैं कि कोई भी चर्चा ना हो, ना यहाँ पर और ना ही वापस लखनऊ जाकर। क्यों अबू? क्योंकि आपने ये सब, ये क्या कह रहे हो तुम कबीर? हम पर शक कर रहे हो, अपने बाप पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो या फिर आप सब शायद समझ रहे हैं। हाँ ये जरूर है, ये जरूर है कि इस लड़की के जो करतूते हैं उन पर पर्दा डालने का गुनाह हमने जरूर किया, मगर उस गुनाह में हिस्सेदार नहीं थे हम। हाँ इस लड़की ने जारा को मारने की कोशिश की, कश्मीर की पुलिस इसके पीछे पड़ी है, ये भी सच है। जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ती है, ये भी सच है। और इसलिए हमने इसकी केस की जो फाइल थी उसे दबाने की कोशिश की। तुम्हें जारा को कहा कि भूल जाओ, कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़ दो, मगर ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम इस घर की इज्जत बचाना चाहते थे बेटा। क्योंकि सच्चाई यही है कि बाहर की जो दुनिया है इस लड़की को सचमुच में हमारी बेटी मानती है। इस लड़की की परवरिश हमने बड़े प्यार से की है, मगर लगता है गलती की हमने, क्योंकि ये लड़की एहसान फरामोश है। और हम आपके बेटे हैं, ये आपकी बहू है अबू, हम दोनों की जान जाने वाली थी। अंदाजा है हम पर क्या गुजरी है? नहीं अबू, आपने गलत किया अबू। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं और मान रहे हैं ना अपनी गलती, मगर ये सब हमने सिर्फ इस घर, इस खानदान, इस परिवार के लिए किया है। ये बात क्यों नहीं समझते हो तुम? नहीं अबू। रुखसार,
दूसरों पर इल्जाम लगाने से ना इंसान बेगुनाह नहीं बन जाता है। रुखसार, तुम हमारी बहन लोफर की सहेली हो, इसलिए हम चाहके भी अपने आप को बोलने से रोक नहीं पा रहे। हमें पूरा यकीन है कि इसमें शाहबाज अंकल की कोई गलती नहीं, और तुम ये सच को कभी झूठ साबित नहीं कर पाओगी। अपनी सुबह खोलने की कोशिश की, तुम अपने बेटे अमान की कभी शक्ल नहीं देख पाओगे। पुलिस को फोन लगाना चाहती हो? लगाओ, लगाओ, इंतजार करेंगे हम। लगाओ फोन, जो साबित करना है करो, नहीं तुम मत करो, हम खुद करते हैं। कभी कभी हम जानते हैं बेटा, ये हम सब की मुजरिम, हम सब की, लेकिन सबसे बड़ी मुजरिम सारा की। मुझे नहीं लगता कि इसके साथ जो सुलूक होना चाहिए उसका फैसला ज़ारा को करना चाहिए। ज़ारा, सोच समझ कर फैसला लेना बेटा, तुम्हारे पास एक घंटा है और उस एक घंटे में रुखसार की तकदीर का फैसला हो जाएगा। फिर बेटा तुम जो कहो हम रुखसार को सजा देंगे। सार हमारी सच्चाई किसी के सामने भी ला सकती है, हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा, मगर कैसे? ये एक इंसान, अगर ये हमारे शीशे में उतर गया ना तो हमारा ये खतरा भी खत्म और हमारे आगे का काम और आसान हो जाएगा। क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? कुछ बात करनी है आपसे। कहाँ मिलना है? न्यू शाइन कैफे। खेल शुरू। तुम इस खूबसूरत शहर के रौनक को देख रहे हो। हाँ, रौनक नहीं, सुकून। ऊपर से ये शहर कितना खामोश लगता है ना, लेकिन अंदर से उतना ही बेचैन, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। तुम्हारी और हमारी जिंदगी सुकून से भर जाएगी, तुम सिर्फ अपना फैसला सुनो रुखसार को लेकर। उसके बाद जितना चाहे तुम्हें उतना सुकून मिलेगा, इतना इतना इतना। फैसला हमने तुम्हें सुनाना है कबीर, तुम उस लड़की की सजा तय करोगे जिसकी वजह से तुमने सिराज के जुल्म सहे, मार खाई, अपने जिस्म पे जख्म लिए। उसने तुम्हारी रूह को परेशान किया, वो हमारी नहीं तुम्हारी मुजरिम है। सबके सामने फैसला तुम सुनाओगे, और हाँ, जो फैसला तुम्हारा होगा वो ही फैसला मारो।
क्या? हम बात कर रहे थे। तुम्हें आता नहीं है खेल? आता नहीं, हम तुम्हें सिखा देंगे। ये थंब वर्सेस थंब गेम हमने भी बहुत खेला है। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। अगर आज रमजान ना होते तो हम आपसे जरूर पूछते, कुछ पिएंगे आप? जनाब एक ग्लास मिक्स फ्रूट जूस लाइएगा। हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपका रोजा नहीं। जूस आपके लिए मंगवाए। आप कैसे जानते हैं कि हमारा रोजा नहीं? मियां रोजेदारों के चेहरे पे जो नूर होता है ना, वो आपके चेहरे पे नजर नहीं आ रहा। बताइए किस ताल्लुक में मिलना चाहते थे आप हमसे? देखिए हमें अपनी हदें बहुत अच्छे से मालूम है, मगर जबरदस्ती हम उन्हें तोड़ना चाहते हैं। बस इसी के लिए आपकी इजाजत चाहिए हमें। आपकी बात कुछ समझे नहीं हम। इस वक्त हम आपके घर की परेशानियों से बखूबी वाकिफ हैं। कबीर का शरिया बोर्ड ना जाना, यूं रुखसार का मसला, इन्हीं सब चीजों के सिलसिले में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर हम अपनी तकलीफों अपनी परेशानियों का हल खुद निकाल लेंगे। जो खूबियां आप कशान और कबीर में देखना चाहते हैं वो सारी की सारी हमारे में, बस एक बार अपना के तो देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कभी इस बात पे पछतावा नहीं होगा। और इस मदद के बदले में चाहेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। वैसे तो किसी भी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा करने के आदी नहीं है, मगर तुम हमारे बेटे के दोस्त हो, उसके पार्टनर हो, इसलिए तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार है। और बेताब है ये जानने के लिए कि कैसे तुम हमारी परेशानियों को दूर करोगे। आपके साथ आ जाने से बहुत सी चीजें कम होंगी, आपकी और हमारी परेशानियां और आपके बेटे और बहू की जिंदगी के दिन भी। अम्मी अबू नजर नहीं आ रहे भाई। यहां हैं हम। मिराज मियां, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आइए हमारी बातचीत में शरीक हुई, अब आप इस घर का एक अहम हिस्सा हैं। तो बताओ जरा क्या फैसला किया तुमने? अम्मी दिल तो चाहता है कि हम इसे पुलिस के हवाले करते, लेकिन नहीं, इस घर ने रुखसार को बेटी की तरह माना है, तो जिस तरीके से घर से बेटियां विदा होती हैं ठीक उसी तरीके से इस घर से रुखसार भी विदा होगी। तय वक्त पे रुखसार की हमदान से शादी होगी, और ना तो सिर्फ इस घर से बल्कि इस शहर से और इस मुल्क से रुखसार को हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। हम रुखसार के नाम पर FIR भी करवाएंगे, लेकिन रुखसार के दुबई जाने के बाद, ताकि अगर ये वापस इंडिया आने की कोशिश करे तो सीधा जेल में जाए। तो बस अब फैसला हो चुका है, सब कुछ भुलाकर रुखसार की शादी की तैयारियां करो। हमें आपका फैसला मंजूर है अम्मी, मगर हमारी एक शर्त है।
रुखसार कबीर के बारे में जो सोचती है या उसने जो कुछ भी कबीर के साथ किया है वो सब कुछ हमदान को बताया जाए। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हम बहुत अच्छे से जानते हैं अम्मी हम क्या कह रहे हैं। हम किसी भी वजह से हमदान को अंधेरे में नहीं रखना चाहते और ये तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आने वाले कल में किसी भी बात में किसी भी वजह से हमारी बहन पे कोई उंगली उठाए या फिर उसकी जिंदगी खराब करे। इसलिए हमदान को बताना जरूरी है। अम्मी हम भाभी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। सही कह रही है भाभी, झूठ बोलना गुनाह है मगर सच छुपाना हमें लगता है उससे भी बड़ा गुनाह है। तो फिर ठीक है भाभी, हम और जारा मिलकर हमदान को सब कुछ बता देंगे।